करंट अफेयर्स की एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग प्रमुख ऐप, पोर्टल और कोविड के समय में हुई डिजिटल प्रगति की बात करेंगे। निश्चित रूप से इस एपिसोड से आपको दो या तीन क्वेश्चन का लाभ होगा। तो आज हम इंडेक्स देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स के एपिसोड में क्या क्या है। कोविड-19 से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं व ऐप जो कोविड के समय में आई हैं, कोविड के दौरान विभिन्न प्रदेशों द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए किए गए प्रयास, क्योंकि आप सभी लोग जानते थे कि शिक्षा एकदम बंद हो गई थी कोविड के समय में, ऐसा समय था, तो डिजिटल शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास अलग अलग राज्यों के द्वारा किए गए, उनकी बात करेंगे। और महत्वपूर्ण पोर्टल जो आपके हैं, ऐप और पोर्टल, उन सबकी बात करेंगे। क्रांति, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, इसकी बात करेंगे। मैं धीरे धीरे सभी चीजों को आपको समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा, जिससे चीजें आपके मन मस्तिष्क में रहें। तो आइए इस महत्वपूर्ण सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोविड-19 के समय में कौन से प्रदेश में क्या चला। तो देखिए, सबसे पहले ऐप और पोर्टल की बात कर लेते हैं, ठीक है, योजनाओं की बात कर लेते हैं। सभी जो है राज्यों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किए। कोरोना कवच ऐप, ये किसका था? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का था। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था कोविड को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार का था। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नाड़ी जो ऐप था, ये मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म था, ये पुडुचेरी सरकार का था। प्रज्ञान जो ऐप था, ये झारखंड सरकार द्वारा संचालित था। आपको ऐप और सरकार का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश का था। बिहार कोरोना सहायता ऐप बिहार सरकार का था। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार का था, हम सभी के मोबाइल में सबसे पहले यही आया था। समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज मानव संसाधन विकास मंत्रालय का था, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है। T5 योजना जो आपकी थी, वो दिल्ली सरकार की T5 योजना थी। इसमें 5 T थी। पहला टी था आपका, सबसे पहला टी था आपका टेस्टिंग, फिर आपका था ट्रेसिंग, फिर तीसरा टी था आपका ट्रीटमेंट, चौथा टी था आपका टीम वर्क, और पांचवा टी था आपका ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, है ना। तो ये 5T था आपकी योजना, ये भी दिल्ली सरकार की योजना थी। करोना जो ऐप था, वो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन का ऐप था। वी सेफ टनल जो था, वो तेलंगाना सरकार की योजना थी आपकी, है ना। लाइफलाइन उड़ान, ये किसका था? नागर विमान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा, ताकि हाथ ना मिलाना पड़े, और हाथ नहीं मिलेंगे तो कोरोना का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग समझ चुके थे कि हाथ मिलाने से या नजदीक जाने से ये चैन बढ़ रही है, मानव से मानव में इसका विस्तार हो रहा है। तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। नमस्ते ओवर हैंडशेक, हैंडशेक के ऊपर नमस्ते को अभियान देना, ये कर्नाटक सरकार ने चलाया था। आयुष कवच कोविड जो ऐप था, ये उत्तर प्रदेश सरकार का आपका ऐप था, याद रखिएगा। कोविड-19 के दौरान विभिन्न प्रदेशों द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए किए गए जो प्रयास थे, जैसे राजस्थान सरकार द्वारा ऑपरेशन स्माइल या स्माइल अभियान चलाया गया था। जम्मू सरकार द्वारा प्रोजेक्ट होम क्लास चलाई गई थी। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट होम क्लास अभियान किस राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पढ़ाई तुहार द्वार, पढ़ाई तुहार दुहार देसी भाषा में इसका नाम दिया गया था। बिहार सरकार द्वारा कई प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसमें उन्नयन था, विद्या वाहिनी था, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय था, ये सब जो है बिहार सरकार के थे। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यहां पर, तो दिल्ली सरकार का था शिक्षा के लिए बुनियाद एक मिशन, ये शिक्षा के लिए था। मध्य प्रदेश ज्ञान पिटारा, डिजिटल शिक्षा था। उत्तराखंड के लिए संपर्क बैठक, और मेघा के लिए ई स्कॉलर पोर्टल मेघालय ने आपका चलाया था। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख पोर्टल और क्रांतियों पर। देखिए, प्रवासी राहत मित्र ऐप, यह जो है UNDP की सहायता से बनाया गया है। सबसे पहले देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कार्यक्रम द्वारा बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया, और यह राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा बनाया गया है। प्रवासी जो कामगार मजदूर हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए यह प्रवासी राहत मित्र ऐप आपका तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह ऐप है, ध्यान देना, है ना। आगे बढ़ते हैं, बोलो ऐप। टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी गूगल ने एक बोलो ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी, है ना। गूगल ने बोलो ऐप को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए, ध्यान रखिएगा, और सबसे पहले भारत में लॉन्च किया गया है। आइए,
तीसरा है ई धरती है। देखिए भूमि संबंधी आपके जितने भी आवेदन है वह सरकार द्वारा संपत्तियों के कुशल प्रबंधन हेतु, तो ई धरती ऐप किससे संबंधित है? भूमि संबंधी आपके दस्तावेजों से, आवेदन से और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित है आपका ई धरती ऐप, है ना। धरती का धरती होता है पूर्वी गर्भ, गर्भ ऐप। देखिए गर्भ ऐप का सीधा सीधा संबंध किस चीज से है? ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बहुत सारी योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, या केंद्र सरकार के उद्देश्य को राज्य सरकार पूरा कर रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें कितनी पारदर्शिता है, क्या विद्युतीकरण ठीक से हो रहा है या कोई दिक्कत है, कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चल रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप गर्भ ऐप को डाउनलोड करके सीधे विद्युत मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। तो गर्भ ऐप जो है वो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है और विद्युतीकरण के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है जो आपका गर्भ ऐप है। आगे बढ़ते हैं, हरित पथ ऐप। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो पौधारोपण की निगरानी होती है ना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आप देखते हैं कि अब जो राजमार्ग बन रहे हैं उनके बीच में एक हरित पट्टी है, उस हरित पट्टी पर पौधारोपण किया जाता है पर्यावरण संतुलन के लिए। तो उस पौधारोपण की जानकारी कैसे हो, उस पौधारोपण की निगरानी कैसे हो, उनका रखरखाव कैसे हो, इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, हरित पथ ऐप। एक केंद्रीय परिवर्तन राजमार्ग मंत्रालय का ऐप है, नितिन गडकरी जी द्वारा इसको जारी किया गया। अगला है आपका किसान रथ ऐप। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में किसानों की सहायता के लिए इस ऐप को जारी किया गया था। क्या सहायता थी? आपने देखा कि जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारी फसलें ऐसी थी, बहुत सारे माल ऐसे थे, कच्चे माल कि जो वहां पे पड़े हुए थे, जिनको गंतव्य स्थान पर पहुंचना बहुत जरूरी था और प्राथमिक और द्वितीय परिवहन जो है किसानों को नहीं मिल रहे थे, तो परिवहन की सहायता के लिए इस ऐप को जारी किया गया था कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा। तो ये जो है आपका जो ऐप है वो कौन सा है बताइए? किसान रथ ऐप है। दिव्यांग सारथी ऐप, देखिए केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा ये ऐप जारी है। हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को वो कैसा लाभ ले सकते हैं या उनको किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो दिव्यांग सारथी ऐप उन सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए है कि घर बैठे आप, आपके लिए जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो संबंधित अधिकारी आपके घर आके आपसे संपर्क कर लेगा। तो यह उनकी हेल्प के लिए ऐप जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी है, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित ऐप है। ई सनद ऐप, देखिए भारतीय विदेश मंत्रालय के ये ऐप है ई सनद ऐप, आप याद रखिएगा क्यों है। कुछ लोग हमारे हम लोगों में से ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली हवाई यात्राएं करते हैं, अब समय बदल चुका है भाई, कम भीड़ हमें रखनी है ऐसे स्थानों पर जहां से आप हवाई यात्रा करते हैं, तो आप अपनी हवाई यात्रा के दौरान जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप वेरीफाई कराते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप ऑनलाइन वेरीफाई करा सकते हैं। तो सभी आपके हवाई यात्रा से संबंधित, वीजा से संबंधित आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा सुरक्षात्मक दृष्टि का जो ऐप है वो ऐप आपका कौन सा है बताइए? ई सनद ऐप है, तो इसको आपको याद रखना है। और पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को भी इस ऐप से जोड़कर लगातार सुगम किया जा रहा है, सरल किया जा रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। सारथी उद्यम ऐप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने द्वारा उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया गया है ना। इस ऐप से युवाओं को राज्यभर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का जो मुख्य विषय या थीम था वो क्या था? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसानों, सभी का विकास, है ना। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसानों, सभी का विकास, ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। अगला है आपका प्रिया सॉफ्ट ऐप। केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का ही ऐप है,
जितनी भी पंचायतों से संबंधित दस्तावेज हैं, उन सभी पंचायतों से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन फीड करना। जैसे अब आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में किसी कार्य के लिए जाते हैं, मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बनवाने के लिए जाते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि तहसील के कंप्यूटर से निकला जो खसरा खतौनी होगा वही मान होगा। मतलब जितने भी पंचायतों की जमीन जायदाद के विवरण है, उन सभी विवरणों को और जितने भी पंचायतों में आपके कार्य होना है, उन कार्यों के विवरण को ऑनलाइन फीडिंग करना जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो आपके जो है गांव के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होंगे, उनको दो पंचायत मित्र सहायता के लिए दिए गए हैं, जो ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यों की फीडिंग कराते हैं। उस फीडिंग का मतलब है कि वो फीडिंग किस पोर्टल पर कराई जाती है, वो फीडिंग प्रिया सॉफ्ट ऐप पर कराई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज से संबंधित सभी दस्तावेजों का संकलन करने वाला ऐप है, इसे ई पंचायत दस्तावेज ऐप भी कहा जाता है। मतलब इसका एक और नाम है, इसे क्या कहते हैं, ई पंचायत दस्तावेज ऐप भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मौसम ऐप, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार से लिए गए चित्र और विषम मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना, बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तरंग ऐप, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है जिसके द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों और उनके द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं पर नजर रखी जाती है, जिससे सरकार और उन कंपनियों के बीच विद्युत वितरण में पारदर्शिता आ सके और सरकार उनकी अच्छे से निगरानी कर सके। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह जब ऐसे हैं जहां पे प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं और प्रीपेड मीटर जो है वो प्राइवेट कंपनीज को उनका ठेका दिया गया है ना, तो विद्युत वितरण जो कंपनियां हैं उनसे संबंधित जो योजना है जो कंपनियां चला रही हैं वो आम जन तक कैसे पहुंच रही है, उनमें पारदर्शिता है कि नहीं है, उनकी समस्त निगरानी के लिए जो ऐप है उससे आपको क्या कहा गया, तरंग ऐप एक केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का एक पोर्टल है। PMYU ऐप, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी आवास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ये देता है, उसके लिए जो ये ऐप है वो किसका है बताइए, PMYU ऐप है। दीप ऐप, यह विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है, जैसे जो विद्युत मंत्रालय का है उसका पोर्टल ई नीलामी पोर्टल है जिससे पारदर्शिता आ सके, इसका फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, दीप डिस्कवरी ऑफ इफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइज ऐप, इसका फुल फॉर्म है डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइज ऐप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीप कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वीर परिवार ऐप, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा, है ना, इस ऐप को आपका जारी किया गया। हमारे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जो जवान होते हैं, अगर उनकी शहादत हो जाती है तो उनकी शहादत के बाद उनके परिवारजनों को, है ना, शहीद के जो परिवारजन हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो और जितने सरकारी लाभ उनको मिलने चाहिए वो सरकारी लाभ उन तक पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं, इनकी त्वरित निगरानी और त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए जो ऐप है वो वीर परिवार ऐप है ना। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 100 दिवस के मौके पर राष्ट्रपति जी द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था और सीधे सीधे शहीद परिवारों को मिलने वाले वित्तीय लाभों को इसमें दर्शाया जाएगा या जिसको नहीं मिल पा रहा है उन तक इस लाभ को पहुंचाया जाएगा। ये बंधन तोड़ ऐप, बंधन तोड़ ऐप बिहार सरकार का ऐप है ना। बिहार सरकार ने देखा है कि यदि आप युवा हैं और आप सामाजिक कुरीतियों में जकड़े हैं या आपका शोषण किया जा रहा है या आप किसी कुप्रथा में फंसे हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, बाल मजदूरी हो गया, बाल श्रम हो गया, तो आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर आप अपनी लोकेशन के साथ अपनी परेशानी को शेयर कर दें, बिहार सरकार तुरंत उस लोकेशन पर आपसे संपर्क करेगी। बंधन तोड़ ऐप, किन बंधनों को तोड़ना है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन कुरीतियों के बंधन को तोड़ने के लिए जो बिहार सरकार का ऐप है वो कौन सा है, बंधन तोड़ ऐप है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रूढ़ी युक्तियों से आम जनता को बाहर निकालना, जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, लैंगिक असमानता के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। तो यह बंधन तोड़ ऐप किसका है, बिहार सरकार का ऐप है। आइए अगला ऐप है दामिनी ऐप, केंद्र सरकार के पृथ्वी मंत्रालय विज्ञान मंत्रालय ने ऐसा ऐप बनाया है,
आप बहुत सारे क्षेत्र भारत में ऐसे देखते हैं जहां पर मूसलाधार वर्षा होती है, जैसे आप मणिश्राम है, मेघालय है, चेरापुंजी है, तो कभी कभी बिजली गिरने से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। तो कभी मौसम संबंधी ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होनी हो तो यह एक ऐसा ऐप है जो 30 से 40 मिनट पहले आपको आगाह कर देगा कि यहाँ पे चीजें खराब होने वाली है। तो हम प्राकृतिक अवस्थाओं को रोक तो नहीं सकते, बट हम कुछ स्थानों को खाली करके जान एवं माल के भारी नुकसान को रोक सकते हैं। तो यह एक ऐसा ऐप है जो बिजली गिरने या मौसम खराब होने से 30-40 मिनट पहले ही यह सूचना दे देता है, आपको सावधान कर देता है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने इस ऐप को बनाया है, काफी प्रगति है। अगर ऐसी प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी हमें कुछ समय पहले मिल जाए तो बहुत जान माल को बचाया जा सकता है। जैसे मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, आगाह तो उनको हमेशा किया जाता है, लेकिन अगर आधा से एक घंटे पहले हमें जानकारी मिल जाए कि कुछ विषमता इस समुद्र में होने वाली है या आने वाले समय में इस तट पर होने वाली है, तो हम बहुत सारे मछुआरों को बचा सकते हैं। तो उसी प्रकार के प्रयास में कुछ ये ऐप है, हालांकि बिजली गिरने से संबंधित है। खेलो इंडिया ऐप। खेलो इंडिया का मकसद देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना और भारत को आने वाले समय में स्पोर्टिंग सुपर पावर के तौर पर विकसित करना है। यह देश में अपनी तरह का पहला ऐप है जो देश में खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। अच्छा प्रयास है, हेल्थ से संबंधित है। दीक्षा ऐप। जब इस ऐप को लाया गया तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ऐप था, जो अब आपके शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सभी चीजें डिजिटल हो गई हैं, क्लासरूम भी डिजिटल हो रहे हैं, बैग्स भी डिजिटल हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि नई बैग बस्ता नीति भी आ गई है, अब डिजिटल चीजों को इतना बढ़ावा हो रहा है। तो जो गुरुजन हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी जीवन शैली भी डिजिटल होनी चाहिए। तो जो शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का जो ऐप है, उस ऐप को क्या कहा गया, डिजिटल ऐप कहा गया। इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाया जाए, जिससे डिजिटल विकास में शिक्षक अपना पूर्ण योगदान दे सके। तो ये शिक्षकों के लिए है। RTI ऑनलाइन ऐप या RTI ऑनलाइन पोर्टल भी इसे हम कह सकते हैं। पहले देखिए, RTI सूचनाएं प्राप्त करने का जो माध्यम था वो अलग था। आप एक पोस्ट कार्ड डालते थे, फिर आप एक रिमाइंडर डालते थे, फिर आपको RTI से संबंधित सूचनाएं मिलती थी। अब इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा और त्वरित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि वो RTI से संबंधित सूचनाओं को ऑनलाइन पोर्टल से प्रदान कर रहे हैं, तो जिसको RTI ऑनलाइन पोर्टल आपका कहा गया है। ठीक है, तो वो दो भाषाओं में इन सूचनाओं को देते हैं, एक तो मराठी और दूसरा अंग्रेजी। तो महाराष्ट्र RTI सूचनाओं को ऑनलाइन प्रदान करने वाला पहला राज्य है और दिल्ली इन सूचनाओं को ऑनलाइन प्रदान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो RTI सूचनाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए जो पोर्टल है वो ऑनलाइन RTI ऑनलाइन ऐप या पोर्टल है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सरकार द्वारा 2020 से सम्मिलित करने की इसको बात कही गई है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य सरकार ने द्वारा RTI से संबंधित समस्त सूचनाओं को ऑनलाइन माध्यम से देना प्रारंभ किया जा चुका है। यह सूचना दो भाषाओं में, अंग्रेजी और मराठी में प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला प्रथम राज्य, दिल्ली ऐसा करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश। हम राज्य भारतीय सेना से संबंधित ऐप है। भारतीय तीनों सेनाओं, तीनों बलों से संबंधित ऐप है, जल थल और वायु। देखिए, भारतीय सेना एक ऐसा अंग है ना कि उनकी जो सूचना है वो त्वरित उन्हें पहुंचनी चाहिए। जैसे उनके ट्रांसफर से संबंधित सूचना है, उनके प्रमोशन से संबंधित सूचना है, या उनकी कहीं पर तुरंत ड्यूटी लगनी हो, उस ड्यूटी से संबंधित सूचना है। तो हमराज ऐप त्वरित और अपडेटेड ऐप है जो हमारे जवानों को उनके नए ट्रांसफर्स, नई पोस्टिंग, नए प्रमोशन और नई ड्यूटीज के बारे में आगाह करता है। और ये तीनों सेनाओं का एक कमांड जो है आपका ऐप है, हमराज ऐप है ना, सेवारत जवानों के लिए, अपने सेवारत जवानों के लिए अपनी पोस्टिंग, ड्यूटी व प्रोन्नति से संबंधित त्वरित प्राप्ति के लिए हमराज नामक मोबाइल ऐप को बनाया है। भारतीय सेना का ऐप है। दर्पण ऐप ग्राहकों की सुविधा के लिए संचार मंत्रालय का ही ऐप है। डाकखाने के माध्यम से, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है कि सुदूर क्षेत्रों में ऐसे हो कि बैंक वहां पर ना हो, पर डाकखाने हमेशा और हर जगह है। तो लगभग 1.39 लगभग 1.5 लाख डाकखानों को इससे जोड़ा जा रहा है दर्पण ऐप से, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को
बैंक जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा सके, बीमा जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा सके, तो इस ऐप को जो संचार मंत्रालय का ऐप है, इस ऐप को क्या कहा गया, दर्पण ऐप कहा गया। ग्राहकों की सुविधा के लिए संचार मंत्रालय ने दर्पण ऐप की शुरुआत की है। देश के सभी डाकघरों में अब पोस्टल बीमा योजना की सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं भी इसमें ऑनलाइन मिल सकेंगी। इसके लगभग 1.29 लाख पहले थे, अब इसको 1.1 लाख कर दिया गया, लगभग 1.5 लाख के आसपास जो आपके डाकघर है उनको इससे जोड़ा जा रहा है। हरपत ऐप, देखिए कभी ना कभी तो सभी सरकारों को यह सोचना होगा कि वह अपने नीति निर्माण में जो वो आम जन के लिए कर रहे हैं उसमें आम जन को इन्वॉल्व करें। दो सरकारों ने एक ऐसा प्रयास किया, एक तो हरियाणा सरकार ने हरपत ऐप के द्वारा और एक आंध्र प्रदेश सरकार ने पीपल फर्स्ट ऐप के द्वारा। हरपत ऐप सड़कों के रखरखाव से संबंधित है, मार्गों के रखरखाव से संबंधित है। हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर कहीं भी सड़कों की स्थिति खराब है या कोई ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहा है या किसी रोड को उस मानकों पर नहीं बनाया गया जिस मानकों पर बनाना चाहिए, तो इसके लिए आप सीधे जो है परिवहन मंत्रालय हरियाणा सरकार से कंप्लेन कर सकते हैं हरपत ऐप के माध्यम से। तो पहला ऐप ही हरियाणा सरकार का है जिन्होंने आम जन को सीधे सीधे इसको गवर्नेंस से कनेक्ट किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही जो है एक प्रयास किया है पीपल फर्स्ट ऐप के द्वारा, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं। आइए सचेत ऐप, देखिए आपने बहुत सारे इस समय ऐसी चिटफंड कंपनियां देखी होंगी जो आम लोगों को कम ब्याज, ज्यादा ब्याज, कम समय का प्रलोभन देके उनकी गाड़ी कमाई को ऐंठ लेती हैं, है ना। ऐसी सभी फ्रॉड कंपनियों से सचेत करने के लिए सरकार का जो ऐप है, केंद्र सरकार का, उसको क्या कहा गया, सचेत करने के अर्थ कहा गया। और ऐसे इस ऐप पर ऐसी 150 जो है जो ऐसी संस्थाएं हैं जो चिटफंड संस्थाएं हैं जो फ्रॉड है उनकी सूची भी सरकार द्वारा जारी की गई है। तो आम लोगों को कम ब्याज पर लोन देने के नाम पर उनकी गाड़ी कमाई से अपनी जेब गर्म करने वाली फर्जी चिटफंड कंपनियों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया है। दरअसल RBI ने चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए सचेत नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है और एक ऐप भी लॉन्च किया है, sachetrbi.org.in। और इस वेबसाइट पर ऐसी सभी कंपनियों की लिस्ट है जो फ्रॉड करते हैं और जो गाड़ी कमाई को लूट कर ले जाते हैं। तो सचेत RBI की पहल है ना बचाने के लिए। अगला 27वां देखते हैं, रीयूनाइट ऐप, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों को और परित्यक्त व्यक्तियों को, ऐसे बुजुर्गों को या ऐसे व्यक्तियों को जिनका त्याग उनके परिवार द्वारा कर दिया गया है, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए, उनको अपने परिवारों से मिलाने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास किया गया, जिस प्रयास को डिजिटली नाम दिया गया है रीयूनाइट ऐप, है ना। तो साफ साफ लिखा है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने गुमशुदा और परित्यक्त बच्चों का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। ऐप का नाम है रीयूनाइट। इससे सत्यार्थी नीत बचपन बचाओ आंदोलन और IT कंपनी कैप जेमिनी ने मिलकर तैयार किया है। बेटा अच्छा से याद रखिएगा। आइए अगला है आप लोगों का पीपल फर्स्ट, मैंने अभी आपको बताया था आंध्र प्रदेश सरकार का बेटा ऐप है पीपल फर्स्ट ऐप। सरकार की जितनी भी योजना है उनसे संबंधित, उनकी नीतियों से संबंधित अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप आंध्र प्रदेश सरकार को सीधे इस ऐप के द्वारा आप प्रेषित कर सकते हैं। तो किसी भी राज्य सरकार को का आम जन को गवर्नेंस से जोड़ने का ये पहला डिजिटली प्रयास है, जिसको क्या कहा गया, पीपल फर्स्ट ऐप किया गया। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया मोबाइल ऐप है जो लोगों को शासन के अंतर्गत हो रहे कार्य निर्माण के बारे में पूर्ण एवं पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराता है। और आप अपने सुझाव भी सरकार को इस ऐप के द्वारा दे सकते हैं कि आप अपने लिए नीति निर्माण में क्या चाहते हो। सी बॉक्स, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे कार्यस्थल पर जो महिलाएं कार्य करती हैं अगर उनको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो पूरी गोपनीयता से वो उस व्यक्ति की शिकायत सी बॉक्स ऐप के द्वारा कर सकती है। पूरी गोपनीयता बरतते हुए उस कार्यस्थल से उन व्यक्तियों को उठा लिया जाएगा और उनको उचित दंड प्रदान किया जाएगा। ये दोनों ही प्रकार की महिलाओं के लिए है, जो सरकारी कामकाजी महिलाएं हैं और जो प्राइवेट कार्यस्थल पर काम करती हैं उनके लिए भी है। आइए सी बॉक्स ऐप, हिम्मत ऐप, यह भी महिलाओं की सुरक्षाओं से संबंधित है। ये दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया है और ये बहुत सफल रहा
और 2020 से इसको शुरू होना था, लेकिन 2021 से चूंकि कोविड के कारण नहीं हो पाया, 2021 से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा भी इस ऐप को अपने यहां पूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं, है ना। तो आने वाले समय में ये दिल्ली का ऐप है, 6 राज्य इसको अपने यहां लागू करने चल रहे हैं, जिनमें 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा भी इस ऐप को अपने यहां लागू कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा 1, राजस्थान 2, बिहार 3, मध्य प्रदेश 4, उत्तर प्रदेश 5 और छठवां कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो कुल कितने राज्य हो जाएंगे, 6 राज्य आपके हो जाएंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ टोल फ्री सेवाएं हैं जिनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। वुमेन पावर लाइन, बस इतना ही याद रखिए, 1090 जो है वो वुमेन पावर हेल्पलाइन है, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है, 1098 है आपका। नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 है, यूपी 112 सेवा, पहले 100 था, 26 अक्टूबर 2019 से इसको 112 कर दिया गया, तो अब डायल 112 हो गया। उत्तर प्रदेश के लोगों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिका के डायल 911 सेवा की तर्ज पर प्रदेश स्तरीय पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यूपी 100 सेवा का लोकार्पण 19 नवंबर 2016 को किया गया था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, 100 नंबर से इसको क्या कर दिया गया है, 112 कर दिया गया है। इसमें 6 प्रमुख सेवाएं शामिल है। डायल 170, लोगों को उनके गांव तक, घरों तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो नंबर है वो डायल 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के संचालन हेतु 18 नवंबर 2016 से स्वीकृत है। तो डायल 170 चिकित्सा से संबंधित है। चलिए कुछ प्रमुख क्रांतियों को देख लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है बेटा, मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से संबंधित है, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का सीधा संबंध बागवानी से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। और ये देखिए, ये भी गोल क्रांति आलू और ये भी गोल क्रांति आलू, रिपीटेशन हो गया। ब्लैक क्रांति का संबंध वैकल्पिक ऊर्जा से है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन से और इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध दूसरी कृषि नीति 2000 से। अब एक बात आप ये समझ लीजिएगा बेटा कि सभी क्रांतियों का लक्ष्य क्या है। सभी क्रांतियों का लक्ष्य है कि वो जिस विशेष से संबंधित है, जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित है, किसी फसल से संबंधित है, तो उसके उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित एक क्रांति है, क्योंकि क्रांति का मतलब ही होता है कि तेजी से कुछ अलग करना। तो अगर यहां पर क्रांति लग रहा है तो इसका मतलब है वृद्धि करना। इस एपिसोड में मेरी तरफ से इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।